हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें हम जो बात कर रहे हैं, आपके क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, और उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। तो हमने हमारी एंगुलर पार्ट का हम डिस्कशन कर रहे थे। तो एंगुलर पार्ट में हमने साई के लिए वेव फंक्शन निकाल लिया था, जिसे हम एजीमुथल एंगल भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमने आइगन फंक्शन उसका निकाल लिया था। आज जो हम करेंगे, जो हमारी सेकंड दूसरी इक्वेशन आई थी एंगुलर पार्ट में, हमारे दो पास दो इक्वेशन आई थी, उनमें से आपके एक फाई की फॉर्म में थी और एक थीटा की फॉर्म में थी। तो जो नेक्स्ट जो हमारा जो हम सॉल्व करेंगे आपके, तो जो पोलर एंगल है, तो पोलर एंगल के लिए जो आपके इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो ये थी, 1/sin θ d/dθ sin θ एंड dθ प्लस बीटा एम स्क्वायर sin²θ माइनस का थीटा इजिकल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसमें क्या कंसिडर करेंगे, एक्स इजिकल्स टू हम कंसिडर करेंगे आपके sin θ है, तो dx क्या हो जाएगा, सॉरी cos θ, एक्स इजिकल्स टू cos θ कंसिडर करेंगे, तो dx आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का sin θ d θ। तो यहाँ से आपके dx अपॉन d θ क्या आ जाएगा, माइनस का sin θ। और अगर आप d θ अपॉन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अपॉन dx dx d θ। और यहाँ से dx अपॉन d θ की वैल्यू रखेंगे तो आपके इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप d अपॉन d θ की वैल्यू निकाले तो माइनस का sin θ d θ, सॉरी ये का dx, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। तो हमको जो भी टर्म दिख रही है उसकी जगह हम ये वैल्यू रख लेते हैं। देखो d अपॉन dθ की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो देखो sin θ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आएगा। और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे d θ माइनस अपॉन में d θ की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये sin² हो जाएगा, और ये वाला माइनस और इसके वाला माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, तो वो मैं लिख देती हूँ। एक्स की फॉर्म में वो आपकी इक्वेशन आएगी। तो इस फॉर्म को हमने थीटा से किस में चेंज किया है, dx की फॉर्म में। तो d θ/dx माइनस का 1 माइनस x² माइनस d θ/dx प्लस m² sin²θ की जगह आप क्या लिखेंगे, देखो ये cos²θ है तो cos को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस sin²θ। ठीक है, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस cos²θ। cos की वैल्यू क्या है आपके x, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर इजिकल्स टू 0। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी, 1 माइनस x² d2 अपॉन dx माइनस का 2x dx प्लस m² 1 माइनस x² इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, देखो आपका जो x है वो आपका क्या है, cos θ, और cos θ की वैल्यू आपके कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। तो x x x की जो आपकी वैल्यू होगी वो इन उसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम माने क्या होगा, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन -θ इजिकल्स टू 1 माइनस x² m/2। अगर हम ये सॉल्यूशन कंसिडर करें, अब क्या करेंगे इसके लिए हम निकालते हैं। देखो ये इससे वैल्यू निकाल कर हम इधर पुट करेंगे, तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, d θ अपॉन dx की, d
टी टू थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको ये हमने कंसिडर किया है कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करवा के देखेंगे, ठीक है। तो इधर से हम वैल्यू निकालेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स की, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एम एक्स पहले इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 1 माइनस x² -1 x प्लस 1 माइनस x² m/2 dx अपॉन x, ठीक है। अगर इसका फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इधर अगर आप देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस x² से, तो 1 माइनस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो 1 माइनस x² माइनस का अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से वैल्यू आएगी एम एक्स स्क्वायर m/2 x प्लस 1 माइनस x² m/2 प्लस 1 dx अपॉन, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस वाली इक्वेशन का जो आपके पास इक्वेशन आई है इसका हम वापस किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स का d/dx 1 माइनस x² dx इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी m 1 माइनस x² m/2 प्लस m² x² m/2 -1। तो इधर हमने x की टर्म अलग कर रही है और जो आपके माइनस का 2x m+1 -x² m/2, सिंपली हमने डिफरेंशिएशन किया। अगर आप ऊपर वाली जो आपको लास्ट इक्वेशन बताई थी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा, 1 माइनस x² m/2 प्लस 1 d2 x/dx². तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। देखो हमने ये वैल्यू निकाल लिया। अब इस सिंपली हमको इक्वेशन में पुट करना है, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी तो इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, d/dx 1 माइनस x² माइनस का d थीटा अपॉन डी एक्स प्लस β m² 1 माइनस x² इजिकल्स टू 0। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, m² m/2 m² x² x² m/2 -1 मल्टीप्लाई में x dx अपॉन x -x² m/2 प्लस 1 d2x dx² प्लस β m² 1 माइनस x² और इसकी जगह हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमने क्या माना था, 1 माइनस x² m/2 x इजिकल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे, x² m/2 से, या फिर आप कॉमन लेके उसको 0 के अंदर लेके जा सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो डिवाइड करने पे आपके पास जो आएगा वो इक्वेशन आएगी, -x² d2x/dx². तो देखो ये m/2 से m/2 कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म बचेगी इसकी, फिर इस वाली टर्म में आपके पास क्या बचेगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसमें बचेगा आपके पास माइनस का 2m+1 x dx/x प्लस, यहाँ से जो आपके पास बचेगा इधर से इस वाली टर्म में आपके पास और इस वाली टर्म में से, ये जो आपकी एक्स वाली टर्म है इसमें से आपके पास जो बचेगा वो आएगा बीटा, तो यहाँ से बच जाएगा, माइनस का आपके पास बचेगा m+1 m x इजिकल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो अल्फा आपको कंसिडर करेंगे हम m+1 और बीटा जो हमारे पास आएगा वो आएगा
सॉरी, जो लैम्डा हमने कंसिडर किया है, दो कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, लैम्डा इसकी जगह हम अल्फा लिखेंगे, इसकी जगह हम लैम्डा लिखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस एम प्लस वन एम। ठीक है, तो ये रिप्लेस करने पे आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इक्वेशन क्या बन जाएगी, वन माइनस एफ स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का टू अल्फा एक्स डी एक्स लैम्डा एक्स। ठीक है, तो अगर आप, ये आपका एक्स है, इसको अगर आप पावर सीरीज की टर्म में लिखो, ठीक है, पावर सीरीज की टर्म में लिखो, तो एक्स बराबर आपके ए ज़ीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपके लिख सकते हैं, ए थ्री एक्स का क्यूब, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास आएगा ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर, और डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाले तो आपके पास आएगा टू ए टू सिक्स ए थ्री ट्वेल्व ए फोर एक्स स्क्वायर। अब इन सबको अगर हम सब्सटीट्यूट करें आपके इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, तो इन सबको हम पुट करेंगे आपके ये जो इक्वेशन आई है इसमें, तो पुट करने पे आपके पास क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू ए टू सिक्स ए थ्री ट्वेल्व ए फोर एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ गई, माइनस का टू एल्फा एक्स ए वन टू ए टू एक्स, इस तरह से प्लस आपके पास आएगा लैम्डा एक्स ए जीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आप जो एक्स की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, उन सबको अलग अलग कर लेंगे, तो जो हमारे पास टर्म आएंगी, एक आएगी टू ए टू, ये भी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस लैम्डा ए ज़ीरो, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। फिर हम एक्स के मल्टीपल वाली टर्म देखेंगे, तो एक्स के मल्टीपल वाली टर्म आएगी सिक्स, यहाँ पे एक्स आएगा सिक्स ए थ्री, एक तो ये आएगी सिक्स ए थ्री प्लस लैम्डा ए वन माइनस का टू, एक टर्म यहाँ से आएगी माइनस का टू अल्फा ए वन एक्स, इस तरह से आपके टर्म आएंगी। और अगर हम इन्हें आगे फर्दर कंसिडर करें, तो आपके पास इसी तरह से एक्स एन टर्म आएगी, जो एन टर्म होगी वो आपके क्या आएगी, इसको जनरलाइज अगर हम फॉर्म में लिखें तो आपके पास आएगी एन प्लस वन एन प्लस टू। देखो फर्स्ट टर्म में आपके ए ज़ीरो आ रहा है और ये क्या आ रहा है ए टू, तो इससे टू टाइम्स ज़्यादा है, ए एन बाय टू, और क्या आ रहा है लैम्डा माइनस का टू एन अल्फा एन एन माइनस वन ए एन। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म आ रही है, ये आपकी nth टर्म है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हर एक टर्म को हमको किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल आएगी कॉन्स्टेंट्स की, तो जो आपकी nth टर्म है, तो जनरलाइज फॉर्म वाली जो आपकी टर्म है उसको अगर हम जीरो के इक्वल लिखें, तो आपकी nth टर्म को अगर हम लिखें एन प्लस वन प्लस टू ए एन प्लस टू माइ मल्टीप्लाई में लैम्डा माइनस टू एन अल्फा माइनस एन एन माइनस वन ए एन, इसको इक्वल्स टू जीरो के बराबर लिखें, और एन आपके पास क्या है, जीरो वन टू थ्री, ये आपकी जनरलाइज टर्म है, इस टर्म के थ्रू आप ये सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम जो निकालेंगे, आपके वैल्यू निकालेंगे ए एन प्लस टू की वैल्यू, और जो ए एन प्लस टू की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी टू एन एल्फा एन एन माइनस वन माइनस का लैम्डा अपॉन एन प्लस वन एन बाय टू ए एन, और यहाँ से आप आपके अल्फा और जो आपके लैम्डा जो हमने कांस्टेंट कंसिडर किए थे उनकी वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास आएगा
एन प्लस एम प्लस वन माइनस का बीटा, एन प्लस वन एन प्लस टू एन, ठीक है। ये आपके एक जो फंक्शन है साइफ, ठीक है, ये आपके एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ रही है, आपके एक पावर सीरीज आ रही है। आपको पता है कि ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, लेकिन आपके क्या चाहिए, आपको आपका एक वेव फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि आपका वेव फंक्शन कभी भी क्या नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनफाइनाइट नहीं होने के लिए आपको क्या चाहिए कि ऊपर वाली टर्म इसकी किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। तो न्यूमिनेटर इसका क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल अगर हम कंसिडर करें तो आपके पास आएगा एन प्लस एम प्लस वन माइनस का बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस एम एन प्लस एम प्लस वन। यहाँ पे एन और एम आपके क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो एन और एम को मिला के हम एक वैल्यू निकालेंगे, वो आपके पास आएगी एल, और एल प्लस वन। और एल की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है आपके, एल आपके पास क्या है, एन प्लस एम, और इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3। तो आप बीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एल एल प्लस वन। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे, एन स्क्वायर स्क्वायर एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली आपके, बीटा की। और इसका सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं वो आपके पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखते हैं, जो आपका लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और इसका आपको जो सॉल्यूशन आता है वो आता है थीटा के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इस टर्म में है आपकी इक्वेशन। तो ये कांस्टेंट और पी एल एम, ये आपका लेजेंड्रे फंक्शन होता है, और एक्स आपका क्या है, कॉस थीटा। तो पी एल एम कॉस थीटा ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। पी आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और पी एल एम एक्स आपका क्या होता है, लेजेंड्रे फंक्शन होता है। इसको लेजेंड्रे पॉलीनोमियल बोलते हैं। किस ऑर्डर का है आपके, एलएथ ऑर्डर का। और इधर बी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो बी की वैल्यू आपके क्या आती है, उसको किससे निकालेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अगर हम लगाएं, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करने पे आपके पास आएगा साई साई स्टार डी थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे वेव फंक्शन की, तो -1 से 1, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आपके -1 से 1 तक थी। पी एल एम एक्स पी एल एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो लेजेंड्रे फंक्शन की आपके एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपका लेजेंड्रे फंक्शन है, इसकी लेजेंड्रे पॉलीनोमियल की अगर -1 से 1 पी एल एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, अगर आपके के और एल इक्वल नहीं हो, ठीक है। और अगर आपके के और एल इक्वल हैं, इसकी वैल्यू आती है आपके 2l+1, इसका फैक्टोरियल 2l+l-1 का फैक्टोरियल। अगर आपके के और एल इक्वल हैं, तो आपके जो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है कि जब आपका के और एल इक्वल नहीं है तो 0 वैल्यू होती है, और के एल आपके इक्वल है, ऑर्डर अगर इक्वल है दो फंक्शन का, तो आपके इस तरह से आपके फंक्शन आता है। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 2l+1 l-1 का फैक्टोरियल प्लस एन का फैक्टोरियल आई इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसका अंडर रूट अगर हम ले लेंगे, एल प्लस एम का फैक्टोरियल 2l+
एन माइनस एन का फैक्टोरियल, या आपके पास बी की वैल्यू आ गई, और ये बी की वैल्यू अगर हम वेव फंक्शन में पुट कर देंगे तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन आ जाएगा, किसके लिए, पोलर एंगल के लिए। तो हमने हमारा एंगुलर पार्ट है वो सॉल्व कर लिया है, बाकी रेडियल पार्ट हम आगे के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और इससे हम ऑर्बिटल आपका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, जो भी आपके सॉल्यूशन आए हैं इनकी हेल्प से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे एक क्वांटम सिस्टम के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।